देश का मनुवाद और मनीवाद। यदि हम वो नहीं समझेंगे, उस बात पर नहीं जाएंगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा। अभी ये अटैक जुडिशियरी पे कैसा होता है, मैं महाराष्ट्र से आया हूं, 39 वहां के है, एक ही ब्राह्मण गली के 5 जजेस अपॉइंट हुए, एक ही ब्राह्मण गली गली एक विलेज। सच्चाई है यार, ये क्या है, दूसरा सम्मान है। और उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट जज हो गए, चीफ जस्टिस देशपांडे के सब रिलेशन कोर्ट हाईकोर्ट पे आए। तो ये अपॉइंटमेंट से शुरू होता है। अपॉइंटमेंट से क्यों, अभी आप इसका किताब पढ़ेंगे गुजरात टाइम्स, तो वो जो राजन प्रियदर्शी है, राजन प्रियदर्शी की इंटरव्यू है, शी हैज टेकन इंटरव्यू, वेरी बोल्ड लेडी, वी मस्ट अप्रिशिएट हर वर्क। तो उसको वो मिलने गई, उसने कहा कि मोदी के बारे में आपकी क्या, आपका क्या ख्याल है। एटीएस प्रभु वो कहता है कि मोदी एक ऐसा आदमी है, he has fooled all the people all the time, बाकी कुछ नहीं उसमें। और ये अमित शाह जाके एटीएस प्रभु को मिलता है कि किसको मारना है, किसको जिंदा रखना है, किसको प्रोसिक्यूट करना है, इसके फाइल्स भी। तो ये यदि ये लोग सत्ता पर आते हैं तो हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे। अटैक तो इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुआ है, अटैक तो केस दाखिल करने से शुरू हुआ है। जो अपने लोग हैं वो पॉइंट को बाहर निकाल रहे, वो सब उनको बाहर निकाल रहे हैं, और जो इनोसेंट है उनको अंदर डाल रहे हैं, जैसे साहिब बाबा की बात की इसने अभी। तो हम अटैक इन आइसोलेशन नहीं देख सकते, जुडिशरी इन आइसोलेशन नहीं देख सकते, हमारा सब इंस्टीट्यूट पर इनका अटैक हो रहा है। और जब लोग कहते हैं कि पहले भी अटैक होता था, यस पहले भी अटैक होता था, लेकिन आप सुनिए, बड़े जिम्मेदारी से साफ कहता हूं कि जब किसी दूसरे पार्टी का राज आता है, कई पार्टी आया राज करके गई, तो हम बोलते थे कि पुरानी बोतल है नया पानी, पुरानी बोतल है नया पानी है, लेकिन यहां पुरानी बोतल जरूर है लेकिन पानी नहीं, जहर है। ये हमला कर रहे हैं। हम अभी देखेंगे कि जुडिशियरी पे हल्ला तो विदिन भी है बाहर से भी। विदिन कैसा है वो मैंने आपको बताया, आपको कि हमारे रिलेशन सब अपॉइंट करेंगे तो मेरिट का आता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 1936 में कहा, इस देश की खासियत है कि कोई आदमी यहां का गुणवत्ता पर अपॉइंट होता नहीं, वो पॉलिटिशियन हो, वो जज हो या कोई भी हो, उसको जब तक मनुवाद जिंदा है गुणवाद तब तक कुछ नहीं हो, यानी मेरिट पर कुछ नहीं हो। ये आज हम देख रहे, पहले से देख रहे। तो हम इसके जो अटैक होता है वो पहला अटैक है हिंदुइज्म का। हम जब सेक्युलर स्टेट कहते हैं, हम जब तो क्या है जुडिशियरी में कौन है, मैं कई जजों के साथ बैठा हूं, वो बोलते थे जब मुसलमान आता है, अब ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो जज बोलता है कि बोलू कर और वो बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बना कि बोलता है कि चलो वो लांडे को तानना चाहिए, लांडा यानी सुनता क्या हुआ। तो मैंने क्या बात करता है, हम तो ईश्वर के नीचे है, ईश्वर के बराबर हमारा काम है, हम ऐसा दान धर्म नहीं सोच सकते। ये इन्होंने बोला ना, ये हमारी जुडिशियरी इतनी पावरफुल है कि वो जुडिशियरी दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जज से ज्यादा पावरफुल, वो इस देश को दिशा दे सकती है, वो ईश्वर के समान है, लेकिन वो रहते नहीं, वो ईश्वर बनना नहीं चाहते, वो कीड़े मकोड़े जैसे रहना चाहते हैं, क्या करेंगे। तो हमारे ऊपर अटैक कोई कर ही नहीं सकता, हम इनवाइट करते जुडिशियरी पर अटैक इज बीइंग इनवाइटेड। हमारी पोजीशन है इंपीचमेंट नहीं है, कोई हमारा बॉस नहीं है, तो सवाल कहां था। लेकिन हम खुद, हमारी आइडियोलॉजी हो, हमारी कुछ कमियां हो, कोई भ्रष्टाचार हो, कोई किसी को बच्चों को पढ़ाई करना है, देश परदेश भेजना है, ये बोले किसी को प्लॉट चाहिए, कोठी चाहिए, अरे मरो ना, जरूरत नहीं इसकी, कुछ जरूरत नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी पेंशन है,
कोई जरूरत नहीं किसी की, लेकिन करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अटैक इज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम विदिन। यदि इस काम को सामना करना है आइडियोलॉजी में हम डिफर, आइडियोलॉजी में हम डिफर हो सकते हैं, लेकिन उसको भी वी आर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आइडियोलॉजी में डिफर हम डिफर करते हैं तो वी हैव टू गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एज महात्मा गांधी ऐसे माय ट्रेनर से कि जब 70 करोड़ लोगों को 2 समय की खाने की रोटी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, लॉस कौन बना रहा है हमारे लॉस। ये मोटी ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है, हु इज ड्राफ्टिंग आवर लॉस। जो मैंने कहा मनुवादी और मनीवादी यानी कॉर्पोरेशन हमारे सब लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं। क्या लॉ ड्राफ्ट हो रहे हैं, हमारी जमीन ली गई, हमारा पानी लिया, हमारा खाना लिया और ले रहे कानून से कोरोडोर बना ले रहे रहे और जुडिशियरी साइड है। जो भी 90 के बाद अर्थनीति आई है दैट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि इस देश में रईस और गरीब में फर्क नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल है हमारा। वी हैव अश्योर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस को ऑल, तो कैसा मिलेगा। यह नई अर्थनीति का मतलब है कि चंद लोगों को देश की संपत्ति लूटने का परवानगी परमिशन, यह नई अर्थनीति है। और हमारे कई नेता बोलते हैं अभी इससे छुटकारा नहीं, क्यों नहीं छुटकारा, चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कॉन्स्टिट्यूशन 4 पिलर पर खड़ी है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सार्वभौमत्व यानी सॉवरेंटी, फॉरगेट अबाउट सॉवरेंटी, तो हम सॉवरेन हम कभी हुए नहीं, लेकिन सोशलिज्म की जब बात करते हैं तो कॉर्पोरेटाइजेशन आता है, पूंजीवादियों को बढ़ावा देने का काम कौन करता है। और पूंजीवादियों को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है कि अभी देखो ना मोदी के रेजिम में ये 1% पीपल होल्ड 73% ऑफ द प्रॉपर्टी। देश के 100 रुपए होंगे तो 73 रुपए एक एक आदमी के हक में। और हम बोलते हैं कि जुडिशियरी में जुडिशियरी क्या करती है, तो अभी इसने लोहिया का केस निकाला, एक सिंपल लॉ है कि आप ये लॉयर्स तो होंगे, यदि मैं जज हूं मैं मर्डर देखता हूं और मैं कोर्ट में जाके मैं उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता या उसको मैं जजमेंट देके फांसी पर नहीं लटका सकता, प्रोसीजर इज लेट डाउन। तो क्या कहते हैं जजेस कि व्हाई शुड वी बिलीव दोस 4 जजेस जिन्होंने कहा कि हमने लोहिया पर ले गए हॉस्पिटल हो गए, वो झूठ बोलते हैं कि नहीं इसकी तो टेस्ट होनी चाहिए कभी बिफोर यू पास एनी ऑर्डर। ये बिफोर यू क्रिटिसाइज दी लॉयर्स हियर हु आर फाइटिंग फॉर लॉयर्स डे, तो जजेस बोलते हैं आके कि वो 4 जजेस को हम क्यों डिसबिलीव करेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि जब अमित शाह रवि भवन में जाके नागपुर में रहते हैं तो हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस 3 हाईकोर्ट जजेस वही रवि भवन में जाके रहते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वही जाके रहते हैं। कल निर्मला सीतारामन डिफेंस मिनिस्टर जाके नागपुर में कल उनको मिली रेशम बाग में, मुझे तो डर लगता है नीरज टकले, मुझे डर लगता है कि जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहां जाके रहते हैं, अमित शाह वहां जाके रहता है और भागवत बोलता है कि मैं 3 दिन में सब करूंगा, मिलिट्री की जरूरत है 3 दिन में हमारे लड़ाई जीत सकते हैं, तो कहीं न्यूक्लियर पावर उनके हाथ से नहीं है। और डिफेंस इज इन जियो पर है, और जब ये जजेस वहां जाके रहते हैं तो ये क्या है, ये अटैक ऑन जुडिशियल नहीं है। और ये उतना ही नहीं तो रजिस्टर में 15 तारीख की तारीख डालने के पहले 19 तारीख आती है, उसके पहले 16 तारीख आती है, बाद में 15 तारीख आती है, रजिस्टर में नाम बदले जाते हैं, कॉटेज बदले जाते हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहां आके रहते हैं उनके नाम गायब हो जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जज वहां जाते हैं उनके नाम बदले दिए जाते हैं, कॉटेज नंबर बदले दिए जाते हैं। तो हम जिम्मेदार नहीं, जुडिशियरी का अटैक 2 तरह से हो रहा है, हम खुद उनको अटैक करने का मौका दे रहे हैं और बाहर से तो वो करने वाले हैं, जब उनको मालूम है कि तुम बिक सकते हो यानी नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमें ये लोग
जो लोक प्रतिनिधि हम पर जुडिशियरी पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं उसमें भी दो तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर है। डायरेक्ट प्रेशर क्या है कि अपॉइंटमेंट नहीं करते, यदि हमारे आइडियोलॉजी का जज नहीं है दे आर हियर दे आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड नहीं, जब हमारे आइडियोलॉजी के जजेस नहीं है तो दे आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड एंड सो देयर आर 400-500 वैकेंसीज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशियरी का काम चलने नहीं देना है इनको। तो आवर कोलेजियम एज दे पुट डाउन देयर फुट इन केस ऑफ थॉमस उत्तराखंड के उसके बारे में बोले अभी ठंडे हो गए अभी कुछ नहीं आ रहा है उनके बारे में। तो मैं क्या कहता हूं कि हमें जुडिशियरी को सिर्फ एग्जीक्यूटिव को दोष देने की जरूरत नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी अभी आप हमारे जस्टिस सावंत ने 20 साल पहले किताब लिखी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ मिथ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ मिथ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हिज आइडियोलॉजी हिज बैकग्राउंड। हमारे एक वजह करके जज थे मेरे साथ बैठे थे, वो बोले कि अरे जस्टिस कोलचे पाटिल जब हम पैदा होते हैं तो शाखा में जाना शुरू करते हैं पैदा होते हैं तो शाखा में जाना शुरू करते हैं आरएसएस के, तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का सवाल आता था। दूसरा ये मैंने कहा कि जब हम मुस्लिम केसेस डील करते थे तो वो बोलता था कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, क्यों? मैंने कहा सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। तीसरा कोई जिसके साथ मैं बैठा हूं वो बोलता है कि आपको मैसेज मिला क्या? मैंने कहा किसका मैसेज? अरे हमको ईश्वर भी मैसेज नहीं दे सकता तो कौन सा मैसेज होगा? सिर्फ बात से नहीं अटैक उन्हीं भी है, तो हमारी मानसिकता अटैक सहन करने की जो है वो हमें बदलनी चाहिए। वैसे जजेस सिलेक्ट होने चाहिए, कहां से लेंगे? वैसे जजेस का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन किसके हाथ में? ये ठीक है उन्होंने कॉलेजियम ने कहा कि हमको नहीं करना, हम उनके आपके अपॉइंटमेंट नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक कहा, लेकिन आप जो किससे सुनेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जिसको आपने दामाद को अपॉइंट करना था लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं था, यानी 10 साल पूरे करने थे, नेम से क्या होना, 10 साल पूरे करने थे वो क्वालिफाइड नहीं था, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए रुक गए थे और उसका बहुत बड़ा नाम है, क्या करें। दूसरे मैंने बोला एक चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपना मामा काका भांजा सबको जज कर, तो फिर हमें अधिकार कहां आता है कि तुम यू आर अटैकिंग अस व्हेन यू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू बी अटैक, आपको सवाल कहां आता है? दूसरी बात ऐसी है कि आप जब हम मैंने बोला कि हमारे लॉयर्स की जिम्मेदारी जब लॉ आता है व्हिच इज अगेंस्ट द मासेस, लैंड के बारे में हो, पानी के बारे में हो, जो लॉ ड्राफ्ट होता है वो लॉ यदि जुडिशियरी सेटल सेंड नहीं करती है तो हमें उसके खिलाफ हल्ला गुल्ला करना चाहिए, हमें क्षम तो बार ही उनको शामिल होता है। ये बोला ना अभी ये बोले कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस और आने वाला चीफ जस्टिस इसके लिए बार काउंसिल सलाम करता है, व्हाट इज ये बहुत बुरी बात है। तो हम सब जिम्मेदार है इसके लॉयर्स जजेस एंड इवन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। अभी देखो कि पुरोहित और प्रज्ञा का टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, पुरोहित प्रज्ञा वो ज्ञान क्या टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है कि वी डोंट वांट मनुस्मृति, वी वांट हिंदू राष्ट्र टू बी एस्टेब्लिश एंड वी वांट दिस कंट्री टू बी रूल्ड बाय आवर सेवन स्मृतिज। टेप रिकॉर्डेड है, कोर्ट में दाखिल है, क्या सबूत चाहिए आपको देशद्रोह के लिए? देशद्रोह के लिए सबूत क्या चाहिए? लेकिन वो आज जेल में छूट रहे हैं, उनके सामने वो जज के सामने वो वेड़े से नहीं जा रहा। यदि आप ये राणा के किताब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि सबने कहा है कि मोदी ने कहा कि जो हो सके होने दो, हिंदुओं को जो करना है मुस्लिम के खिलाफ करने दो, कुछ करना नहीं, वो पूरी सबूत गए थे। और किसी को पटकाना मारना, किसी को विदाउट रीजन अरेस्ट करना,
ये होम मिनिस्टर बोलता है चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर टपका दो, टपका दो है कि हिंदी में है क्या, तो इसको टपका दो। तो वो अधिकारी अच्छा था, दलित था, देखो वो दलित ऑफिसर वो बोलता है कि मेरे गांव में आज भी मुझे सवर्ण के घरों में घर नहीं मिलता। गुजरात की सामाजिक स्थिति देखो, और वो बोलता है कि हमारे गांव का नाई हजार मेरे केस में बाल नहीं काटता। एक मिनट, तो उसको अमित शाह घर बुलाता है, एटीएस प्रमुख को अमित शाह घर बुलाता है, अब बोलता है इसको टपकाना है, सीएम का इसको प्रोसिक्यूट करना है। दो लोग मुस्लिम उसके सामने बैठे थे, फोन आया कि उनको अरेस्ट करो। वो बोले सर अगर मेरे सामने वरना वो किसी दंगा में शामिल है ना, किसी आतंकवादी है मेरे सामने बैठे हैं, उनको कैसे अरेस्ट करो भाई। और वो फिर आखिर में बोलता है कि मैं देश की सेवा के लिए आया हूँ, सत्ता मेरी पार्टी के सेवा के लिए नहीं हूँ। इतना ऑफिसर जो ऑफिसर बोल सकता है तो वाइट कैसे अटैक ऑन जुडिशियरी इज नॉट वन साइडेड। जुडिशियरी इज गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, हम भी उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो पहली बात है कि कोर्ट किसी के बाप की मक्तेदारी नहीं है, संसद किसी बाप की मक्तेदारी नहीं है। हम सब रास्ते पर जाना चाहिए, कोर्ट हो या संसद हो या कोई कानून हो, सभी ये सुधर सकता है। मनुवादी और मनीवादी घर में जाके लिखो, जब तक जिंदा है इस देश के 80% लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जय भारत।